राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी को काबू करने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली में एक हफ्ते के कर्फ्यू का ऐलान किया है। यह कर्फ्यू आज रात से 26 अप्रैल तक रहेगा। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है। लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर मची मारामारी के बीच एक राहत भरी खबर है। रक्षा मंत्री व लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने लखनऊ के लिए ऑक्सीजन की बड़ी खेप भेजी है। इसके अलावा लखनऊ में DRDO की मदद से 250 बेड का एक बड़ा अस्पताल तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात में कोरोना संबंधी मौतों के बारे में सही सूचना नहीं दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए चिदम्बरम ने कहा, कोविड संबंधी मौतों को लेकर गलत रिपोर्ट पेश की जा रही है। इनके पीछे दिल का दौरा पड़ने या क्रॉनिक डायबिटीज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और जदयू विधायक मेवालाल चौधरी की मौत हो गई है। पटना के पारस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वे 65 साल के थे। मेवालाल चौधरी तारापुर से विधायक थे। पिछले दिनों सांस लेने में तकलीफ होने के चलते उन्होंने शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के बाद वह कोरोना संक्रमित निकले थे। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने 3 और IAS अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। गौरव गोयल, लक्ष्मण कुड़ी और राजेंद्र शेखावत की सेवाएं चिकित्सा सचिव को सौंपी गई हैं। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले 6 IAS के अलग अलग जिलों के कलेक्टर के पास ड्यूटी लगाई गई थी। प्रदेश में चल रहे कोरोना संकट के बीच प्रदेश कांग्रेस संगठन का विस्तार की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी विस्तार और जिलाध्यक्षों की घोषणा इसी माह हो सकती है। कांग्रेस से जुड़े विश्वस्त सूत्रों ने भी इसके संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन जिलाध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी विस्तार के नामों को लेकर जल्द घोषणा कर सकते हैं। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीकर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया। डोटासरा ने कोविड की तैयारियों को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल KK वर्मा से जानकारी ली। इस दौरान वे मेडिकल कॉलेज के छात्रों से भी रूबरू हुए। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच जारी की गई 3 मई तक की नई गाइडलाइन को देखते हुए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने भी आगामी 24 अप्रैल तक अपने कार्यालय बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि इस दौरान आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज हो सकेगी। वहीं पूर्व में दर्ज शिकायतों पर वर्चुअल सुनवाई भी होगी। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद प्रदेश सरकार की ओर से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत पाबंदियां की गई हैं। अब शिक्षा विभाग ने भी 3 मई तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं अब शिक्षक और कार्मिक कोरोना के कारण वर्क एट होम करेंगे। 3 बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स IPL में आज एक दूसरे से भिड़ेंगी। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने जहां पंजाब किंग्स के खिलाफ आसान जीत दर्ज की थी, वहीं राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम ओवर में जीत से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2 अंक जुटाए। दोनों टीमें अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी जीत दर्ज करना चाहेंगी।